Morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. Children, today we are going to start our chapter number 31, Must Visit Places in India. आप सबको घूमना अच्छा लगता है ना? तो हमारे इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है. आज हम इस चैप्टर में ऐसी प्लेसेस के बारे में बात करना चाहते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? सो वी मस्ट विजिट द प्लेसेस ऑफ इंडिया. लेट्स स्टार्ट. In this chapter, we have to look at the pictures and after then we have to read the hints and after then we have to name the particular places. Okay, so let's start with the number one. You can see the picture of the lake over here, right? This is a spectacular lake, जो शानदार beautiful lake होता है वो है जो 4,350 meters की height पर ये lake है और वो कहाँ पर है? लद्दाख में. तो इसका नाम क्या है बच्चों? पैनगोंग लेक. ओके, नाउ मूविंग विद द नंबर टू. चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस प्लेस ओवर हियर एंड वो हिमाचल प्रदेश में आया है. तो उस प्लेस का नाम क्या है? मनाली. ओके, नाउ ये जो प्लेस है वहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है एंड ओवर देयर एक्सप्लोरिंग द कोरल रिफ्स. ओके, जो आंदमान निकोबार में आया है तो इस प्लेस का नाम क्या है बच्चों? हेवलॉक आइलैंड. ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यस, दिस इज द रिवर एंड फ्रोजन रिवर. वहाँ पे फ्रोजन रिवर पर वॉक करना होता है जो लद्दाख में आया हुआ है और इसका नाम क्या है? चड्डर ट्रैक. ओके, दिस इज द वंडरफुल एक्सपीरियंस. यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको होगा क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्ज सॉरी इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है. ओके, जो गुजरात में आया हुआ है और उसका नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ. कच्छ का जो रण होता है वो लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है. ओके, नाउ मूविंग विद नंबर सिक्स. ये जो है वो स्विट्जरलैंड का टोपोग्राफिक्स है. टोपोग्राफिक्स मतलब स्थलाकृतियाँ. ओके, और वो हिमाचल प्रदेश में आया है और हिमाचल प्रदेश में उसके जैसा. तो ये खज्जियर, उसका नाम क्या है उस प्लेस का? खज्जियर. ओके, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पेट्रोइज्म यानी कि देशभक्ति की भावना होगी और वो कहाँ पे आएगा? ये प्लेस का नाम है पंजाब और उस प्लेस उस वो कहाँ पे आया हुआ है? पंजाब और उस प्लेस का नाम है वजा. ओके, नाउ ये जो प्लेस है बच्चों, दिस इज द टी गार्डन. टी गार्डन हिल, हिल पर पूरा टी गार्डन है जो केरला में आया है और उसका नाम क्या है बच्चों? मुन्नार. यहाँ पे क्या आएगा? मुन्नार. ओके, नाउ मूविंग विद नंबर नाइन. ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाली प्लेस है उसको वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है जो सिक्किम में आई हुई है. ओके, तो इस प्लेस का नाम क्या है? युमतांग, युमतांग विले. नाउ मूविंग विद नंबर टेन. यू कैन सी द ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर और ये जो है वो पैराडाइज ऑन अर्थ है. अर्थ का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जो जम्मू एंड कश्मीर में आया हुआ है और ये है कश्मीर. यहाँ पे क्या आएगा? कश्मीर. ओके, नाउ ये जो है वो नीलगिरी पर्वत, राइट? नीलगिरी रेंज ऑफ माउंटेन है जो तमिलनाडु में आया हुआ है. ओके, तो इसका नाम क्या है? यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इस प्लेस का नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन जी, कोडाई केनाल. कोडाई केनाल. ओके, मूविंग विद नंबर 12. यू कैन सी द अमेजिंग पिक्चर ओवर हियर विद द केमल. ये है केमल सफारी जो राजस्थान में आई हुई है और इसका नाम क्या है? डेजर्ट ऑफ जैसलमेर. यहाँ पे आपको छोटे हैंड राइटिंग करने हैं, थोड़े से थोड़ा सा ऊपर लिखना है, डेजर्ट ऑफ जैसलमेर. ओके, नाउ मूविंग विद द क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू ऑफ सनसेट एंड सनराइज इज सीन इन. सनसेट एंड सनराइज का जो सीन होता है मोस्ट अट्रैक्टिव वो कहाँ पे होता है? मैथरन में. यहाँ पे आप ऑप्शन ए पे टिक मार्क करोगे. नंबर टू, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक इज. दुनिया का
फ्लोटिंग लेक कौन सा है, कहाँ पे आया हुआ है, मणिपुर में। ओके, नाउ अमेजिंग फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दूधसागर फॉल इन गोवा इज अ वाटरफॉल दैट गिव्स अ वाटर अ मिल्की अपीयरेंस। ये जो दूधसागर फॉल है गोवा में, ओके, वहाँ पे जो वाटर होता है वो मिल्की अपीयरेंस, दूध जैसा लगता है, राइट, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर इट अपीयरेंस, और उसका नाम है वो जैसा दिखता है उसके ऊपर से पड़ा है। ओके, रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर, विजिट द डिफरेंट प्लेसेस एट इट रिफ्रेशेस अवर माइंड ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट। हमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो हमारा माइंड है वो रिफ्रेश होगा, और हमें कुछ एनवायरमेंट चेंजेस होगा तो हम रेगुलर रूटीन वर्क से थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ओके, एंड आफ्टर देन वी कैन डू अवर वर्क वेरी वेल। ओके, सो चिल्ड्रन, ओवर हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर नंबर 31 मस्ट विजिट प्लेसेस इन इंडिया। उसमें हमने इंडिया के ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में डिस्कशन किया है, तो आपको भी ये रीडिंग करना है, अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड यू हैव टू सेंड मी। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।